Hello students, welcome back to our channel Om Academy. This is Siddharth Sharma and today we discuss about division of polynomials. So keep watching my videos and hit the like button if you like the videos and subscribe my channel. Okay? So now we move on to our first question. Our first question is fx is equal to x raised to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 is divided by gx, that is x square minus x plus 1. तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होगा, जी एक्स का डिवाइड करना होगा एफ एक्स में. इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. इसका डिवाइड हम करेंगे एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव. ओके, सबसे पहले चेक करना होगा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक्स की पावर फोर और यहाँ क्या है हमारे पास एक्स की पावर टू. तो इसका मतलब हमारे पास कितने एक्स की पावर की कमी है, टू की कमी है. ओके, तो यहाँ x की पावर 4, यहाँ x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2 ले लेंगे. x की पावर 2 का मतलब हम x की पावर 2 में करेंगे तो यू विल गेट x रेज़ टू द पावर 4 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई x स्क्वायर विद माइनस x वी विल गेट माइनस x क्यूब. क्योंकि जब हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमें माइनस x क्यूब मिल जाएगा. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई x स्क्वायर विद 1 वी विल गेट x स्क्वायर. नाउ चेंज द साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, दिस बोथ टर्म्स आर डिफरेंट साइन सो वी विल कैंसिल आउट इट. नाउ देयर इज नो टर्म ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल सो वी राइट डाउन एक्स क्यूब एज सिंगल टर्म एंड माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज माइनस फोर एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म इज फोर एक्स. ओके, हम देखते हैं यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या है एक्स क्यूब है. ओके, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक एक्स का डिफरेंस है. तो यहां पर हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे. जब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा. एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो हमारे पास एक्स आएगा. अब फिर से साइन चेंज करते हैं, प्लस है माइनस करेंगे, माइनस है प्लस करेंगे, प्लस है माइनस करेंगे. अब देखते हैं, देखो एक्स क्यूब फिर से कट जाएंगे हमारे पास, क्योंकि ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं. सिर्फ हम उसके बाद नीचे वाले जो साइन होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं, इन्हीं साइंस को कंसीडर करके हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. ओके, अब देखते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस के फोर एक्स स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा प्लस फोर एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स. अब लास्ट टर्म जो बचती है हमारे पास वो है फाइव. अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सिर्फ क्या नहीं है माइनस थ्री. तो क्वेश्चन पे हम क्या ले लेंगे, माइनस थ्री. जब माइनस थ्री का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस थ्री एक्स, और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई प्लस वन में करेंगे तो माइनस थ्री. साइन चेंज करते हैं, प्लस हो जाएगा ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइव और थ्री एट, ये हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर और ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन. ओके, तो इस तरीके से बेटा हम पॉलीनोमियल्स का डिवीजन करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 एंड -3 आर टू जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल x रेज़ टू द पावर 4 + x क्यूब - 11x स्क्वायर - 9x + 18, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल. ओके, तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं. देखो हमें 3 और माइनस 3 हमें x की वैल्यू दे रखी है, जीरो का मतलब क्या होता है x की वैल्यू. ओके, अब इन वैल्यूज के हम क्या करेंगे, एक भी कोई एक इक्वेशन बनाएंगे gx जिसे बोलते हैं हम, और उसका डिवाइड इस fx में करेंगे. देखो कैसा करते हैं, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3. इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0. यहां में क्या दिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी. तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी. तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट वही बनना है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9. ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास जी एक्स, और इस जी एक्स को डिवाइड करेंगे हम इस एफ एक्स में. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डिवाइड में किसमें करना होगा, एक्स की पावर 4
प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ओके तो भाई डिवाइड करने का फॉर्मेट तो हमारा भाई है, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या एक्स पावर फोर, तो हम क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा एक्स पावर फोर, एक्स स्क्वायर को मतलब माइनस 9 में करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस 9x स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो एक्स क्यूब का कोई टर्म है नहीं तो एक्स क्यूब हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर चेक करते हैं, प्लस के 9x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर, वी विल गेट माइनस 2x स्क्वायर। अब आगे करते हैं सॉल्व, ये एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है, यानी हम क्या लेंगे ये एक्स लेंगे, एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब, और एक्स का मतलब माइनस 9 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस 9x। ओके साइन चेंज करो माइनस प्लस, एक्स क्यूब हमारे कट जाएंगे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है तो माइनस 2x स्क्वायर को तो हम एज नोट कर लेंगे माइनस 2x स्क्वायर। अब ये देखो प्लस के 9x है और ये माइनस के 9x है, जब आप प्लस के 9x के साथ माइनस के 9x नोट करोगे तो ये भी तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 18। ओके क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास 18, यानी हम इसको क्या लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18, एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर क्या चाहिए सर माइनस 2, यहाँ पे हमने एक माइनस 2 ले लिया, माइनस 2 के डिवाइड जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 2 को मल्टीप्लाई जब माइनस 9 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस के 18, ये माइनस के टर्म है प्लस हो जाएगी, प्लस की है ये माइनस हो जाएगी, ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ओके अगर बेटा हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है यानी हमारे डिवाइड में कहीं ना कहीं गलती है। ओके अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे, यहां में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इसी के साथ हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, ये हमारे पास क्या बनती बेटे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का फैक्टर करते हैं, 2 से जाएगा 1 टाइम हमें क्या चाहिए प्लस एक्स, 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज चलता रहेगा हमारा साथ में, और ये इन दोनों फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है x, क्या बचेगा x प्लस 2, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है सिर्फ माइनस 1, क्योंकि कुछ भी टर्म कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 यहाँ पे रहेगा प्लस के एक्स प्लस के 2। हमने पहले भी बोला था कि मिडिल टर्म जब स्प्लिट करते हैं तो हमारे दोनों ब्रैकेट क्या चाहिए सेम आने चाहिए, तो ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है, ये बचेगा हमारे पास एक्स माइनस 1 और बाहर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1, हम इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं वापस से एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 में इस तरीके से। ओके और बचे हुए हमारे पास 0 एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 1। ओके तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, जब भी दो जीरो दे रखे होंगे हमसे अदर जीरो फाइंड आउट कर रहे होंगे तो इस तरीके से उनको सॉल्व आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। देखो बेटा जो हमने भी अपना लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारे इसी तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा था, उसमें हमें क्या दे रखा था जो हमें दो जीरो दे रखे थे 3 एंड माइनस 3, यहाँ पे दो जीरो दे रखे हैं हमें 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 दे रखे हैं, करने का पैटर्न सेम रहेगा। ओके करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, लेफ्ट साइड लेके आते हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3, जब भी बेटा हम प्लस की टर्म को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 भी प्लस का रूट 3 दोनों माइनस हो जाएंगे इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ये हमें क्या आ गया x माइनस 2 माइनस रूट 3 x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 2 रूट 3, रूट 3 यहां माइनस है या प्लस है, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से हमारा वही पैटर्न बनना है a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का, तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए क्या है हमारे पास एक्स माइनस टू का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास रूट थ्री का स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस रूट थ्री का स्क्वायर क्या आएगा, थ्री। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स फोर माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास बेटा, जी एक्स आ गया एक तरीके से। अब इसका डिवाइड हम अपने एफ एक्स में करेंगे, यानी कि हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन का डिवाइड 2x raise to the power 4 minus 13x cube plus 19x square plus 7x minus 3 में करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या देखा हमें x की पावर 4 और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम एक एक्स स्क्वायर लेंगे, साथ में 2 और दे रखा है तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 2x स्क्वायर का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x की पावर 4, x स्क्वायर का x में करेंगे तो आएगा x cube 2 4 जा 8, यानी ये आ गया हमारे पास माइनस 8x cube। 2x स्क्वायर का बंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, देखो x की पावर 4 वाली टर्म तो कट जाएंगी क्योंकि ये प्लस के और ये माइनस के हैं, जो हम साइन चेंज कर देते हैं तो उसके बाद हम नीचे वाले साइन को ही कंसिडर करते हैं। ओके, अब देखो 8x क्यूब माइनस 13x क्यूब यानी कि माइनस के 5x क्यूब, 19x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वी विल गेट 17x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 7x। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है, तो यानी एक तो चाहिए होगा हमें x, साथ में क्या है माइनस फाइव, तो साथ में क्या चाहिए होगा माइनस फाइव, माइनस फाइव एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे माइनस फाइव एक्स क्यूब, माइनस फाइव एक्स का माइनस फोर एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, फाइव फोर जा 20x स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस फाइव एक्स प्लस माइनस प्लस। ओके, फिर से डिफरेंट साइन हो गया, कट जाएंगे हमारे पास 17x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 7x प्लस 5x 12x, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास माइनस 3, यहाँ पे क्या बेटा x स्क्वायर, यहाँ भी क्या x स्क्वायर, सिर्फ क्या नहीं है माइनस 3, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस 3, माइनस 3 का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 का माइनस 4x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 इज 12x, माइनस 3 का प्लस 1 में करेंगे तो कितना जाएगा वापस से माइनस 3, साइन चेंज करो प्लस माइनस प्लस, ये भी कट जाएंगे 12x माइनस 12x माइनस 3 प्लस 3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 0। ओके, तो बेटा जैसा कि हमने अभी बताया था कि अगर हमारे पास जब भी हम इसका डिवाइड कर रहे हैं ऑल जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए और अगर 0 आता है तो हमारा डिवाइड सही है। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व आउट, किस तरीके से करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दूसरी क्या आ गई हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ओके, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, मिले तो हम इस पर करेंगे 3 टू जा 6, 6 के फैक्टर करो 2 से जाएगा 3 टाइम, 3 से जाएगा 1 टाइम। ओके, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, लेकिन हमें माइनस 5 चाहिए, क्या चाहिए माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहां पे क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3। तो देखो बेटा अब यहाँ पे जब हम 2x कॉमन ले लेंगे तो ये तो बचेगा x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे जब माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 1, तो इसका मतलब हमारे पास माइनस 2 माइनस 3 इसके फैक्टर नहीं आएंगे, इसके फैक्टर हमारे पास माइनस 2 माइनस 3 नहीं होंगे। ओके, तो फैक्टर क्या होंगे बेटा, देखो 2 3 जा 6, जब हमारे पास फैक्टर नहीं बनते तो इस वाले 1 को भी कंसिडर कर लेते हैं, 6 बन जा 6 होता है, लेकिन हम इससे क्या करेंगे 6 माइनस 1, हमें क्या चाहिए 5x चाहिए, 6 माइनस 1 तो प्लस के 5x आएंगे, अगर हम 1 माइनस 6 करेंगे तो माइनस के 5x आएंगे, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास बेटा, पहले टर्म में से कॉमन क्या आएगा x, क्या बचेगा 2x प्लस 1, इनमें से माइनस 3 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 1, बताया था कि ब्रैकेट हमें सेम आने चाहिए, ये आ गया 2x प्लस 1, ये बचा x माइनस 3, और इधर है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके,
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये आएगा टू एक्स प्लस वन और ये एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा, और जब एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू थ्री आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से बेटा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे इस चैप्टर पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ इट इज गिवन दैट टू ऑफ इट जीरोस आर 1 एंड 1 बाई 2। ओके, तो बेटा इस पैटर्न के हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है बेटा x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 बाई 2, लेफ्ट साइड लेके आते हैं, वी विल गेट x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, x माइनस 1, x माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1 मान के इसका एलसीएम देते हैं, 1 का 2 में जाएगा 2 टाइम 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 का 2 में डिवाइड जाएगा 1 टाइम 1 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, यहां के साथ रखा है मैं x माइनस 1। अब देखो बेटा, जब हम x माइनस 1 का 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई हम 2x माइनस 1 में करेंगे, देन माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 में करेंगे। ओके, अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, फिर से वही जी एक्स, इस जी एक्स का हम डिवाइड करेंगे इस एफ एक्स पर। ओके, डिवाइड करते हैं बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड करते हैं हम 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। यहाँ पे क्या बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 4, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है सही है, सिर्फ क्या कमी थी एक्स स्क्वायर, एकदम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 2x की पावर 4, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3x में करेंगे तो माइनस 3, एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, इसे कैंसिल आउट करो, 3x क्यूब प्लस किया 3x क्यूब माइनस किया ये भी कर जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट हम नोट करते हैं 6x माइनस 2, यहां पे x स्क्वायर है यहां भी x स्क्वायर है, यहां 2 है यहां माइनस 4, तो अगर 2 का डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 आएगा, लेकिन ये माइनस का है तो यहां पे क्या लेंगे हम माइनस 2 लेंगे। ओके, माइनस 2 का मल्टीप्लाई हम 2x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3x में करेंगे तो प्लस 6x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 2, साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट 6x माइनस 6x कैंसिल आउट, 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसे कि बेटा मैंने लास्ट टू क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि जब हम डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हमने डिवाइड सही किया है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता तो हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा, देखो ये क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मींस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, स्क्वायर का क्या जाएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस, क्योंकि रूट से वैल्यू जो निकलती है वो हमेशा क्या होती है प्लस माइनस, यानी कि जो एक्स की वैल्यूज थी हमारे पास 1 कॉमा 1 बाई 2 कॉमा 1 लेंगे प्लस के रूट 2 और एक हो जाएगा माइनस के रूट 2। ओके, तो बेटा आज हमारा इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल भी खत्म हो जाता है। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।